मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शनिवार को 19 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 21,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको लंच पैकेट, फल, बिस्किट, पानी की बोतल और छोटे बच्चों के लिए दूध के पैकेट देने के बाद उनको उनके जिलों की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों ने सकुशल घर वापसी पर सीएम योगी को धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रविंद्र कुमार, विनय कुमार, सुमन और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, फतेहपुर के लिए 38 नंबर है, फैजाबाद प्रताप आप लोग खाना पानी लेते जाएं, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। चौरी चौरा 4 नंबर, कंपियर 5 नंबर, सहजनवा 6। आप चले जाइए, 25 में जाइए, 25 हाँ रविंद्र कुमार दिल्ली से। कहाँ जाएंगे? अम्बेडकर नगर। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया? हाँ सर, ठीक है सर। विनय कुमार राम, अभी आप कहाँ गाजियाबाद से। कहाँ जाएंगे?
गोपालगंज जाएंगे भैया। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है योगी सरकार, जी जी बोलना चाहेंगे क्या कर, अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको खुश है इस काम से। सुमन दिल्ली से। कहाँ जाएंगे? बढ़नी गोपालपुर। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है, बताएंगे क्या? योगी सरकार के द्वारा आपको घर पहुँचाया जा रहा है? हाँ जी, बोलना चाहेंगे जी। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजदूरों को घर पहुंचा रहे हैं। आज 19 ट्रेनें शेड्यूल्ड हैं जो महाराष्ट्र से भी हैं, गुजरात से भी हैं, कुछ साउथ से आ रही हैं ट्रेनें। ये ट्रेनें जो भी पैसेंजर लेके आती हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एक कंपार्टमेंट में 50 से 52-54 के एवरेज से बैठा के लाया जाता है। इसके बाद जब ट्रेन पहुंच जाती है तब उन्हें प्लेटफॉर्म पर उतारने के बाद भी गोलों में 1-1.5 मीटर के अंतर से सोशल डिस्टेंस के हिसाब से खड़ा करके फिर उनका थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीमीटर से उनकी ब्लड का ऑक्सीजन लेवल लिया जाता है और इसके बाद ही उनका नाम, पता, पिता का नाम, एड्रेस और पूरा मोबाइल नंबर उनका सब ये दर्ज करने के बाद उन्हें खाद्य सामग्री, भोजन का पैकेट और पानी की बॉटल्स उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद उन्हें 20 और 25 के एवरेज से बसों में बैठा के सोशल डिस्टेंस के माध्यम से उनके जनपदों को पहुंचाया जा रहा है।